चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हिमनद किसे कहते हैं। पर्वतों पर हिम की चोटियां पाई जाती हैं, निचले भागों में भी पाई जाती हैं। अब ये समझ लीजिए कि ऊंचाई पर स्थित जब हिम नीचे की ओर खिसकने लगता है, ढाल के अनुरूप खिसकने लगता है, तो उसे हिमनद कहा जाता है। हिम पिघल करके नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है, आधा पानी हुआ रहता है, आधा बर्फ ही रहता है, वही पूरा सम्मिलित भाव हिमनद कहलाता है। हिम जब पिघल कर या बिना पिघले ही खिसकने लगता है तो उसे हिमनद कहते हैं। तो कई प्रकार के काम करता है, धरातल पर काट छांट का काम करता है, काट छांट करके दूसरे स्थानों पर ले जाकर ले जाता है और दूसरे स्थान पर ले जाकर के जमा करता है। इस प्रकार वह अपार्दन का काम करता है काट छांट के रूप में, फिर दूसरे स्थान की ओर ले जाता है तो उसे हिमनद का परिवहन कहा जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ले जा करके उसे जमा कर देता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। अपार्दन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है इनके यहाँ हिमनदों में, एक होता है अपघर्षण के रूप में और दूसरा होता है उत्पाटन के रूप में। ये क्या है? उत्पाटन के रूप में अपघर्षण, जब हिम पर्वतों के सहारे सहारे खिसकती है तो पर्वतों की तली को, तटों को, उसके पास वाले भाग को घिसती है तो उसे अपघर्षण कहा जाता है। कभी कभी हिमनद या हिमालयां या हिम जब खिसकती है तो पर्वतों पर या धरातल पर कुछ ऊबड़ खाबड़ भाग पाए जाते हैं। उन ऊबड़ खाबड़ स्थानों को अगर वो कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें आसानी से तोड़ करके अपने साथ उठा ले जाते हैं, बगैर उसे कुछ घिसे हुए तोड़ करके अपने साथ उठा लाती है, बहा लाती है, तो उसे उत्पाटन कहते हैं। उत्पाटन यानी उखाड़ना, चट्टानों को उखाड़ लेती है और अपने साथ खिसका लाती है तो उसे उत्पाटन कहा जाता है। घिसती है तो उपघर्षण और तोड़ करके उखाड़ लाती है तो उसे उत्पाटन कहते हैं। परिवहन, जब उसे उठा करके एक स्थान दूसरे स्थान की ओर ले जाती है तो परिवहन कहते हैं, और जमा कर देती है तो निक्षेपण कहते हैं। परिवहन के कारण भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसे अपार्दनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। निक्षेपण से भी धरातल पर कुछ स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है तो उसे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। देखेंगे हम अपार्दनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। अपार्दनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहले है यू आकार की घाटी। दो पर्वतों के बीच में एक निचला भूभाग, यो कहें कि घाटी किसे कहते हैं, पहले हम जान लें यू आकार की घाटी हो गए। दो उच्च भूभागों के मध्य निचला भाग घाटी कहलाता है, वो चाहे सकरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे पर्वतों के बीच हो, चाहे पठारों के बीच हो, या मैदानों के बीच हो, या दो तटों के बीच में हो, वो घाटी कहलाता है। दो उच्च भागों के मध्य निचला भूभाग घाटी कहलाता है। जब उसका आकार यू आकार का हो जाता है तो उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। पर्वतों पे क्या होता है, पर्वतों पे मान लीजिए यहाँ पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, पर्वतों से हिम खिसक खिसक करके आती है, ऊपर से खिसक खिसक कर आती है, तो तली में बहुत ज्यादा हिम होता है, तली में भी ये खिसकता ही रहता है, तो ये खिसक खिसक करके अपने किनारे वाले भागों को घिस देती है।
काफी मात्रा में हिम होने के कारण ये तली को भी खींच देती है, तो ये चिकना सपाट भाग हो जाता है। नदियों के विपरीत ये चिकना और सपाट भाग बन जाता है। दूर से देखने पर ये यू आकार की भांति होता है, तो उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। जब बड़ी और मुख्य यू आकार की घाटियों में छोटी छोटी या यूं कहें कि पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित छोटी छोटी घाटियां जिसमें हिम होता है आकार के बड़ी घाटियों में मिलने लगती हैं। छोटी छोटी घाटियों का हिम जब बड़ी घाटियों में मिलने लगता है तो यही छोटी छोटी घाटियां लटकती घाटी के नाम से जानी जाती हैं। जब बड़ी घाटियों में छोटी छोटी आकार की घाटियां जो कि ऊंचाई पर स्थित होती हैं उनका हिम आकार बड़ी घाटी में मिलने लगता है तो वह इसमें लटकती हुई घाटी के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं हम सर्क। जब हिम, देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वतों पर हिम जमा रहती है, तो हिम क्या होती है कि ऊपर से सरकती है। जब सरकती है तो ये किनारे वाले पोर्शन को घिसती है या घिस घिस करती आती है। प्रतिदिन ये घिसते होने के कारण इसका तट थोड़ा अवतल हो जाता है। जहाँ इस तरह का तट था अब कट कट करके थोड़ा खड़ा हो जाता है, खड़े होने के बाद धीरे धीरे अवतल होने लगता है। यही किनारे का अवतल तट, पर्वतों के किनारे का अवतल तट सर्क कहलाता है, या इसे हिम गह्वर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हिमागार कहते हैं, हिम गर्त कहते हैं, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। ये जो खड़ा वाला भाग होता है हिम गह्वर या सर्क के कई भाग होते हैं। ये खड़ा वाला भाग सर्क का सर्क की दीवार कहलाता है। और सर्क के यहाँ पर मान लीजिए ये ऊंचा भाग रह जाता है, सर्क की दीवार के नीचे थोड़ा सा उच्च भूभाग होता है जिसे सर्क का चौखटा कहते हैं। देखिए ये सर्क का चौखटा कहलाता है। सर्क में हिमानियां आ करके पिघल जाती हैं तो यहाँ पानी भर जाता है, तो उसे सर्क झील या टाकन कहा जाता है। सर्क के नीचे तली में हिम आकर के पिघल जाती है, यहाँ पानी भर जाता है, तो एक पानी भरा हुआ क्षेत्र सर्क झील या टार्न कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्वतों के चारों तरफ हिम सर्कों का निर्माण हो जाता है, तो मध्यवर्ती भाग एकदम संकरा हो जाता है। दोनों तरफ अवतल, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ कई सर्कों का निर्माण हो जाता है, तो उसे आरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। ये मध्यवर्ती भाग एकदम संकरा हो जाता है और ये देखिए भाले के नुमा ऊपर को बना रह जाता है, उसे आरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये सब बनती बिगड़ती रहती हैं, तो ये ऊपर वाला भाग टूट करके गिर जाएगा। एक पहले यहाँ था, इतना मोटा था, घिस घिस करके कम होते पता चलेगा एकदम कमजोर हो जाता है और एक दिन टूट कर ये गिर जाता है, तो केवल पर्वत का एकदम नुकीला भाग ही बचा रह जाता है। ऊपर वाला ये भाग नहीं रहेगा बल्कि केवल नुकीला भाग, चारों तरफ से इतना ही नुकीला दिखेगा। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी जानवर की सींग हो, तो इसे हार्निया गिर श्रृंग कहते हैं। गिर माने पर्वत, श्रृंग माने सींग, पर्वत की सींग दिखाई दे रही है ऐसा मालूम होता है। जब चारों तरफ से सर का निर्माण हो जाता है, ऊपरी भाग घिस घिस जाता है और ऊपर का भाग टूट जाता है, ये केवल संकरा भाग दिखाई देने लगता है, तो इसे हार्निया गिर श्रृंग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आते हैं कि हिम जब पर्वतों के ढलानों से नीचे की ओर उतरती है तो जगह जगह वहां पर ऊबड़ खाबड़ मैदान होते हैं, चारों तरफ घिसती रहती है, तो जो ऊबड़ खाबड़ मैदानों में तो ऊंचे भाग को छोड़ करके बाकी किनारों से हिम होकर के निकल जाती है, ऊंचे भागों से किनारे से सरक सरक करके निकल जाती है। ये जगह जगह ये धरातल तो नीचा हो गया लेकिन ये ऊंचे उठे भाग
बने रह जाते हैं। जगह जगह ये ऊंचे उठे हुए भाग दिखाई देते हैं हिमानियों के क्षेत्र में, तो उन्हें नूना टक कहा जाता है। कभी कभी चट्टानें इस तरह होती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों के किनारे कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी की चट्टानें भी पाई जाती हैं, तो ज्वालामुखी की चट्टानें कठोर होती हैं, यहाँ से हिम आती है पर्वतों से खिसक खिसक करके, तो यहाँ से अपर्दन करके हल्के करके यहाँ आ करके अपने मर्दों को जमा कर देती है और यहाँ से फिर आती है। तो यहाँ देखिए ये कठोर चट्टान है, ज्वालामुखी की चट्टाने हैं या पत्थरों की चट्टाने हो सकती है, कठोर चट्टाने आती हैं तो यहाँ घिस देती हैं, इसे घिस देती हैं, लेकिन इस कठोर चट्टान को घिस नहीं पाती हैं, तो इस कठोर चट्टानों के सहारे अपने मलबों को यहाँ जमा कर देती हैं। नरम चट्टान, फिर कठोर चट्टान, फिर यहाँ मलबे जम जाते हैं, कोमल चट्टान हो जाता है। तो ये भाग घिस घिस करके एकदम चिकना हो जाता है। इस चिकने कठोर भूभाग को भेड़ पीठ सैल या रास मुटाने कहा जाता है। हिम इसको एकदम चिकना कर देती है, एकदम मुलायम प्रतीत होता है, ऐसे पत्ता लगता है जैसे कोई भेड़ बैठी हो, तो इसे भेड़ पीठ सैल या रास मुटाने के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हिमनद पर्वतों पर इस तरह से ढाल से चलती हैं कि पर्वतों में पता चलता है कि यहाँ सीढ़ी नुमा फिट होती है, ऊपर खाबर संरचना से होकर गुजरता है या छिप्रकाओं से होकर गुजरता है, तो इसे हिम प्रवाह होता है। उसके बाद सीढ़ी नुमा आकृति से आता है तो यहाँ जो ऊंचाई से गिरता है, जैसे जलप्रपात में होता है ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिरता है, तो हिम भी इसी तरह यहाँ गिरती है। यहाँ जब ऊंचाई से गिरती है तो यहाँ गड्ढे बन जाते हैं, यहाँ से आएगी फिर गड्ढे बन जाएंगे। इस सीढ़ी नुमा मार्ग से अगर हिम प्रवाहित होती है तो उसे हिम सोपान कहते हैं। सीढ़ी नुमा आकृति से होते हुए जब हिम प्रवाहित होती है तो उसे हिम सोपान कहते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, कभी कभी इसमें पानी भर जाता है, तो उसे पेटर नास्टर झील कहा जाता है। जब सीढ़ी नुमा आकृतियों से हिम उतरती है तो यहाँ जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, इसे हिम सो पेटर नास्टर झील कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां पर धरातल के पास भी हिम पाए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर ऊंचे ऊंचे भूभागों से हिम पिघल पिघल कर आती है और तटों को काटती रहती है, अपनी तली को काटती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, समुद्रों के एकदम किनारे तक, यूं कहें कि एकदम तली तक भी अपर्दन जारी रखती हैं। कभी कभी ये बरसात ठंडी के दिनों में यहाँ पानी भी बर्फ में बदल जाता है, यहाँ से हिम आती है बहुत तेजी से यहाँ गिरती है, गिरने की वजह से इस तली को काट देती है। यहाँ जो पानी भर रहता है वाटर लेवल समुद्र लेवल पर भी पानी के सर्दी के वजह से ठंडों के वजह से ये भी जम जाता है और यहाँ से आकर के गिरता रहता है। तो ये ऐसा पता चलता है कि समुद्र तली से भी नीचे तक, ये समुद्र के तल तक वाटर लेवल से भी नीचे तक अपर्दन कर देती है और फिर गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, हिम पिघल जाती है, पानी भर जाता है, तो समुद्र के सतह तक पता चलता है कि समुद्र के नीचे भी हिम नदियाँ अपर्दन कर देती हैं, या यूँ कहें कि हिमायन द्वारा निर्मित दिवाकार की घाटियों में पानी भर जाता है, वाटर लेवल तक, समुद्र के वाटर लेवल तक गहराई हो जाती है। यूँ कहें कि हिम नदियाँ जो दिवाकार घाटियाँ बनाई हैं समुद्र में डूब गई हैं, डूब पानी से डूबी हुई दिवाकार की घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। पानी से डूबी हुई युवाकार की घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। पर कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के अपर्दन के कारकों द्वारा समुद्र की तली से भी, समुद्र के वाटर लेवल से भी नीचे तक अपर्दन किया जाता है, तो है हिमानियों के द्वारा।
देखते हैं ड्रमलिन हिम प्रवाहित होती हुई जाती है, हिम आ रही है, कोई कहीं टीले पाए जाते हैं तो टीले पाए जाते हैं तो टीले के ऊपर से भी हिम प्रवाहित होती है, तो टीले के इधर और इधर जहाँ निम्न भूभाग है इन पे अपने मलबेदार आकर के क्या कर देती है, जमा कर देती है। टीलों के चारों तरफ हिमानियां अपने मलबों को जमा कर देती हैं, तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। टीले पर या टीले के किनारों पर जब हिमानियां अपने मलबों को जमा कर देती हैं तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। ये निक्षेपण द्वारा बनता है, और निक्षेपण के द्वारा व्यसन कितियों का निर्माण होता है, कौन कौन सी हो सकती है। देखिए ये पर्वत है, ये पर्वत कटक है, ये पर्वत है, ये भी पर्वत कटक है, पर्वत है, यहाँ से हिम प्रवाहित होती है, हिम प्रवाहित होती है तो ये हिम आ करके नदी के मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होती है, जैसे पानी होता है, हिम नीचे की ओर दबाव डाल के चलती है, तो जो भी अपने साथ मलबा लेकर आती है, अपरदित पदार्थ लेकर आती है, वो अपने किनारों पर छोड़ती जाती है। नीचे हिम होती है, बर्फ होती है, ये बर्फ भारी दबाव के कारण आग बगल के किनारों पर जो दलदल से युक्त मलबा होता है, कचरा होता है, उसे किनारों पर ला जा करके जमा कर देती है, किनारे छोड़ती जाती है, अपना अपने बहती हुई आ रही है और किनारों पर जो अपरदन हो रहा है तत्व का, किनारों पर छोड़ती चली जाती है। जैसे जैसे हिम का आकार कम होता जाता है, पिघल जाती है, वैसे वैसे यहाँ मलबों का जमाव धीरे धीरे ज्यादा होने लगता है। ये किनारों पर जब मलबे जम जाते हैं तो इन्हें पार्श्ववर्ती हिमोमड़ कहते हैं। हिमानियों द्वारा अपरदित पदार्थ जब जमा किया जाता है तो उसे हिमोड़ कहते हैं, जब किनारों पर जमा करती चली जाती है तो उसे पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। इधर भी पार्श्विक हिमोड़ है, इधर भी पार्श्विक हिमोड़ है, दो हिमानियां आपस में जहां मिलने लगती हैं, यहां पर हिमानियां रहे, इधर भी हिमानियां रहे, दो हिमानियां के मध्य है, पता चले ये हिमानी निक्षेपण है, ये भी हिमानी निक्षेपण है, दोनों हिमानियों का निक्षेपण जब आपस में मिल जाता है, ये इस हिमानी के निक्षेप दोनों के मध्य का भाग मध्य हिमोड़ कहलाता है। दो हिमानियों के मध्य दोनों का मिश्रित जमाव मध्य हिमोड़ कहलाता है। फिर आगे जाते हैं तो हिमानी धीरे धीरे, कभी ऐसा होता है कि अब हिम नहीं रह जाता बल्कि पानी रह जाता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है, इन कंकड़ पत्थर पानी के रूप में पानी बहने लगता है, लेकिन कंकड़ पत्थर यहीं पे जमा कर दिए जाते हैं तो तली के में जमा रहता है और पानी ऊपर ऊपर बह जाता है। तली में जब जमा हो जाता है तो उसे सालस हिमोड़ कहते हैं। किनारों पर जमा होता है तो पार्श्ववर्ती हिमोड़ कहते हैं। जब दोनों किनारों के दो हिमनदों का तट आपस में मिल जाता है, यहाँ नीचे होता है मध्य में, तो उसे मध्य हिमोड़ कहते हैं। जब हिम धीरे धीरे एकदम पिघल के शांत हो जाती है, पानी हो जाता है, और मध्यवर्ती भाग में या हिम क्या कहें कि युवाकाय की घाटियों में तली में जमा हो जाता है, तो उसे तलस्थ हिमोड़ कहा जाता है। इस प्रकार हिमानी के अपादन कार, परिवहन कार और निक्षेपण कार हुए। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए